ਸੈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹਾ ਤੋਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ कि बरगाड़ी मामले ते गोलीकांड दे विच 9 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिलिया है तो जिसनूं लैके दसदे कि सुखराज सिंह दे वलों कई बार जिहड़े मोर्चे लगाए गए और मंग यही है कि इंसाफ होना चाहिए है। सूरज भान मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने, सूरज की जानकारी है, सुखराज सिंह इलैक्शन लड़ रहे ने? बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, हुण तक सूत्रां दे हवाले तो निकल के खबर सामने आ रही है कि सुखराज सिंह कितना कि सी तो हताश ने कि अज तक किसी भी जिहड़ी सियासी पार्टी है सियासी जमात उहदे वनियों पूर्ण तौर पर इंसाफ है जिहड़ा सिखां नूं नहीं मिलिया तां करके खुद सोचदे ने कि खुद इलैक्शन लड़िया जाए खुद विधायक बन ते खुद जाके सिखां दी आवाज चक्कण तां करके करीब 2 बजे के करीब प्रैस कॉन्फ्रेंस है वह गिदड़बाह दे विच करनगे और 2 बजे काफी चीजा साफ हो जाणियां ने पर जिस तरह की जानकारी निकल के साडे कोल सामने आ रही है कि खुद सुखराज इलैक्शन दे विच उतरनगे और गिदड़बाह दी जिमनी चोण है उस दे विच कितने ना कितने सरगर्म होंगे। अज अधिकारिक तौर से ऐलान है जिहड़ा उसका 100% हो जाना है जिस तरह सानू साडी सूत्र दसदे ने पर 2 वजे दी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच सारी स्थिति क्लीयर हो जानी है पर हुण तक दी जानकारी यही है कि सुखराज सिंह गिदड़बाह तों जिमनी चोण लड़ सकदे ने तां करके गिदड़बाह दा मुकाबला अपने आप दे विच आपे इंटरेस्टिंग हो जांदा क्योंकि पहला हरदीप सिंह डिप्टी ढिल्लों गलदल छड्ड के चले जांदे ने, सुखबीर सिंह बादल दे चुनाव लड़न दी चर्चावां हुंदियां ने, मनप्रीत बादल उधर राजा विडिंग दी धर्मपत्नी दे जुड़दे ने तां करके गिदड़बाह ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੁਖਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੂਰਜ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ अगे वधांगे तां अज दिल्ली दे विच डेरा जगमाल वाली दे समर्थकां दा धरना है। दिल्ली दे जंतर मंतर ते प्रदर्शन कीता जाएगा। मौजूदा मुखी संत वीरेंद्र दे विरोधी धड़े दे वल्लों प्रदर्शन कीता जाना है। डेरा प्रेमी अमर सिंह भी प्रदर्शन दे विच शामिल होणगे। डेरा मुखी दी शक्की मौत मामले दी मंग रखे ने सीबीआई जांच। एक महीना पहला दस्सिया कि डेरा मुखी संत बहादुर चंद दा देहांत होया सी। संत बहादुर चंद दी मौत तों बाद डेरा दी गद्दी नूं लैके विवाद चल रहा है। हालांकि जेकर गल की जाए तो जिस थापिया गया सी और फिलहाल जी है वह कुल मिला के मुखी जे संत वीरेंद्र बना दिते गए ने पर उन्होंने कहा कि वह हेठा ही बैठने गद्दी पर बैठने नहीं जदों तक पूरी संगत जी है उन्होंने नाल आके नहीं खड़ती पूरा मामला शांत नहीं हों। पर दूजे पास ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा जंतर मंत्र से। अगे वधांगे, उधर हरियाणा दे विच वोटिंग दा दिन बदल दिता गया है। हुण 5 अक्तूबर नूं वोटिंग होएगी, 8 अक्तूबर नूं ही नतीजा आएगा। पहला 1 अक्तूबर नूं वोटां पैणियां सन तां विश्नोई समाज दे वड्डे त्यौहारां करके ही यह बदली गई है तारीख। जम्मू कश्मीर दा नतीजा भी हुण 8 अक्तूबर नूं ही है तां पहलां 4 अक्तूबर नूं आउणा सी जम्मू कश्मीर दा नतीजा पर हुण इस नूं वधा के 8 अक्तूबर नूं कर दिता गया। दरअसल सोच अमावसिया दे लई हरियाणा दा बिश्नोई समाज दा एक वड्डा तबका राजस्थान जांदा है, इस करके वोटिंग दा दिन बदल दिता गया है क्योंकि वोट जिहड़े ने ओह लोक नहीं कर पाणगे, इस करके वोटर जिहड़े ने ओह वोट कर सकन। इस दे मद्देनजर ही यह फैसला लिया गया है। तां 5 अक्तूबर नूं हुण वोटिंग होएगी, 8 अक्तूबर नूं नतीजा आएगा। पहलां 1 अक्तूबर नूं वोटिंग होणी सी तां बिश्नोई समाज दे वड्डे त्यौहार करके तारीख बदल दित्ती गई। बोले इलेक्शन कमीशन पर हम टिप्पणी क्या करें, इतने दिन चलता रहा, इसका मतलब ये तो कमजोरी कहीं ना कहीं दिख रही है भाजपा की। इतना लेट जाके भेजा, फिर इलेक्शन कमीशन ने इतना समय लगाया, इनको क्या लगता है जो लंबी रेस 10 साल की रेस नहीं जीत पाए
तो वो 5 दिन में क्या करें, कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीजें हैं, छुट्टी है, क्या है, सब कुछ जो भी होगा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सिपाही जमीन पर खड़े हुए हैं और 90 की 90 सीटों पर हमारी नजर है। एक एक सीट को हम पूरी तरह से मेहनत करके हर सीट को जीतने की कोशिश के बिश्नोई जो समाज है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया और बाकी राजनीतिक दलों ने उनके चलते अप्रोच किया कि 1 तारीख को आसो अमावस्या रहती है और बड़ा कार्यक्रम बिश्नोई समाज का होता है, उसमें हरियाणा से भी बहुत सारे लोग राजस्थान जाते हैं और वो अपनी पूजा कर कर आते हैं। तो इसलिए सरकार से और ईसी से उन्होंने निवेदन किया था इलेक्शन कमीशन से कि इसको आप 1 तारीख की जगह आगे बढ़ा लीजिए, 3 दिन आगे बढ़ा दीजिए, और इलेक्शन कमीशन ने इसी मद्देनज़र में वो डेट आगे बढ़े। और इस प्रकार पहले भी जब पंजाब में चुनाव था तो संत रविदास जी की जयंती थी तो उसके चलते हुए डेट आगे बढ़ा दी गई थी। तो ये समाज के एक बड़े वर्ग के एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम के मद्देनज़र डेट आगे बढ़ाई गई है। नॉमिनेशंस 12 तक है, 12 तक बहुत कुछ तय हो जाएगा और प्रदेश की आवाम किस और करवट लेगी और कौन जीतेगा ये तो वोटर्स बताएंगे, मगर जनता ने एक मन बना लिया कि हरियाणा प्रदेश को बीजेपी मुक्त करना है। अभी तो नॉमिनेशन 5 से है, इतनी जल्दी क्या है। मैं तो ये मानता हूँ कि उम्मीदवार अच्छे आएंगे, हमारा गठबंधन युवाओं को, महिलाओं को पूरी ताकत दे के सशक्त बनाकर मैदान में उतारे। अच्छे मार्जिन से उचाना जीतेंगे, पहले जितना मार्जिन भी आ सकता है। और मैंने तो पिछले 10 साल में 4 चुनाव लड़े और हमेशा उचाना ने वो ताकत मेरे को दी है जिसने राजनीतिक तौर पर मजबूती से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। तुमने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज़ साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। एक राजनीतिक दल के नाते लोकतंत्र को मजबूत करने की सोच लेके लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदार रहें, इस सोच को लेके जो हमने अपने विचार को निर्वाचन आयोग को एक पत्र के माध्यम से जो अवगत करवाया और निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष ढंग से उस पर फैसला लेते हुए जो 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान, 8 अक्टूबर को मतगणना, ये जो निर्णय किया है इसका मैं स्वागत करता हूँ। 1 तारीख को बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा मेला जो धार्मिक अनुष्ठान है और बहुत बड़ी संख्या बिश्नोई समाज की हरियाणा प्रदेश में है, वो सभी वोटर अपने धार्मिक अनुष्ठान में जाने की आशंका जो हमने व्यक्त की थी उसी आधार को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है ये लोकतंत्र को मजबूत करने का है।